गिनाया तो सही देखो ना ब्रू, और ऐसे बात नहीं करते अपने गर्लफ्रेंड के बारे में, इतना तो चीप नहीं समझ मेरे को, तू हो सकता भाई कि कितना गिनाया बिनाया, ऐसे थोड़ी मैं तो बता दिया जो हकीकत थी मेरा वहां से जो शुरुआती कहानी, गिनाया हाउ चीप आर यू। फिल्म में कुछ लम्हे पुरानी जिंदगी कुछ याद आए, कुछ इंसिडेंट्स आप शेयर करोगे, कुछ रिजेम्बलेंस आपकी इसमें फिल्म पुरानी टाइम, मतलब इतना भी पुराना नहीं हो जितना तुम समझते हो अभी भी भागूंगा तो थोड़ा देर एक्शन वैक्शन करते रहते तो हड्डी के अंदर ना वो रहता है समझा। पर बोलने का मतलब ये बड़ू कि मेरी औरत को, वो मेरी माशूका उस वक्त थी, छोटी थी बहुत, जब से मैं उनसे बातचीत शुरू किया, मिलना शुरू किया, आई थिंक आयशा श्रॉफ, अभी आयशा दत्त उस वक्त, बिफोर दैट आई वॉज इन लव, मेरे स्कूल में ऑब्वियसली एक लव था, मगर मेरे पास पैसे थे नहीं तो मतलब मैं संभाल नहीं सकता था। दूसरी जो थी वो चली गई बिकॉज संभाल नहीं पाए, मतलब इट वॉज नॉट पॉसिबल, आई कुड मैरी बिकॉज आई डेंट हैव मनी, आई डेंट हैव अ प्रॉपर प्लेस वेर आई कैन कीप माई वाइफ, क्योंकि भाई शादी वादी तो सब ठीक है, बच्चे आने के बाद में गेम चेंज हो जाता है समझा ना बड़ो, फिर संभालना पड़ता है हर चीज़ का, मेडिकल हर चीज़ का, एजुकेशन का डब्बू, ये वो सब पैसे बहुत लगते हैं भाई, तो पैसा का मेन गेम था और मैं चाली का लड़का हूँ। तो पहला मेरा इश्क जो था वो तो टूट गया, उसका भी दिल टूट गया, मेरा भी दिल टूट गया। दूसरा जो हुआ बड़ो, वो बोली कि मैं कमाऊँगी और तेरे को संभालूंगी, तो मैं बोला हाँ ये ठीक है, क्योंकि मैं 11वीं पास हूँ, मैं कोशिश करूंगा, थोड़ा हाथ बढ़ाऊंगा, दिन में पोस्टर छिटकाऊंगा, कुछ और करूंगा, दुनिया भर के काम करके पैसे कमा लूंगा, मगर वो भी अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल हुआ नहीं। फिर एक आई, वो बोली कि मैं तुम्हें अमेरिका ले जाऊंगा, मेरे बाप का वहां पे होटल वगैरह है, मैं बोला हाँ ये भी सही लग रहा है, फिर मैं बोला नहीं यार मेरी माँ बाप पुराने हो चुके हैं, मैं बोला नहीं मम्मी डैडी को मैं उतना दूर नहीं ले जा सकता हूँ। फिर मेरे को कहीं बस में ऐसे लटकती हुई आयशा जी दिख गई और इश्क हो गया, पहले तो बड़ा इश्क से पहले तो प्यार वो हो जाता है कि उफ, उसके बाद इश्क होता है समझा बड़ो आप लोगों को शायद उल्टा होता होगा मालूम नहीं है ना, तो वो हो गया, तो वहां से जो कहानी हमारी शुरू हुई, और मैं फिर मैं सोचा कि मैं उनके घर में रहूंगा, ऐसे लगा कि वो मुझे संभालेगी और मैं कुछ करूंगा उसके घर में काम, माँ बाप के लिए एक रूम भी देख लिया था उनके बड़े फ्लैट में, तो वो सब हुआ नहीं, मगर उसने अपने घर पर बेची और मेरे को घर दिलाई, जो भी जो उस वक्त की बात उनकी मम्मी ने, और फिर मैं कमाना शुरू किया और जितना संभाल सका संभाला, अब यहाँ तक ले आया गाड़ी को, अभी वही इश्क तो चल ही रहा है, एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, और उतना ही ढील देने का जितना ढील दे सकता वो मेरे को दी उसने, मैं मीनाक्षी जी से लेके माधुरी जी से लेकर सब टॉप एक्ट्रेस खूबसूरत औरतों के साथ काम किया, सब मेरे प्यारे हैं, सब मुझे बहुत चाहते हैं, और मेरी औरत ने छोड़ दिया 15-15 दिन में, कहीं कश्मीर में हूँ तो कहीं मॉरिशस में हूँ और कहीं गाना गा रहा हूँ पढ़ा हूँ, तो मतलब एक बहुत भरोसा रखी और बहुत प्यार दी उसने, और दोनों बच्चों को बड़ा किया अपने प्यार से, और मैं बाहर काम करता रहा, पैसे देते रहे घर पर और वो अपने संभालते रही, और भरोसा रखी उसने, बाकी क्या बाकी अभी शादी बैठा हूँ, कितने साल हो, 40 साल तो हो गए। जग्गू दादा तो कुछ याद है आपको कि रियल लाइफ में तकरीबन कितनी गर्लफ्रेंड थी आपके पास? ये गिनाया तो सही देखो ना ब्रू, और ऐसे बात नहीं करते अपने गर्लफ्रेंड के बारे में, इतना तो चीप नहीं समझ मेरे को, तू हो सकता भाई कि कितना गिनाया बिनाया, ऐसे थोड़ी मैं तो बता दिया जो हकीकत थी मेरा वहां से जो शुरुआती कहानी, गिनाया हाउ चीप आर यू।